नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त चलिए देख लिया जाए आज का जो मैराथन की क्लास है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि आज के जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं वह है बिल्कुल PGT का क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो चलिए देख लिया जाए, 125 प्रश्नों की पूरी सेट है, यह सीरीज है। तो एक बार दिल थाम के बैठिए और बिल्कुल शुरू हो जाइए आज के तड़ातड़ प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। और एक बार वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए जिससे मजा आ जाए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि कमेंट देखिए, कमेंट अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि देखिए अगर कमेंट पढ़ेंगे तो 125 प्रश्न है, टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि पेटेंट उपकरण किस क्रिया की दर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। पेटेंट कॉफर्स ऑपरेटर्स यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ, ठीक है, किसकी दर को निर्धारित करता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है पेटेंट कॉफर्स उपकरण, समझ रहे हैं। कह रहा है वाष्पोत्सर्जन की निर्धारित करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, प्रकाश श्वसन के लिए। इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल फटाक से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है श्वसन, ठीक है। क्या है श्वसन, यह रिस्पायरेशन के लिए उपयुक्त होता है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, ध्यान दीजिए, कह रहा सभी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं वह संबंधित हैं महागण, मतलब किस सुपर ऑर्डर से संबंधित हैं जो पक्षी उड़ने में असमर्थ होते हैं। ऑल फ्लाइटलेस बर्ड बिलोंग टू सुपर ऑर्डर, किस सुपर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है रेटिटी। क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है रेटिटी, ठीक है। रेटिटी से बिलोंग करते हैं जो पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या कह रहा है, फटाफट एक बार वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करते रहिए, शेयर करिए जिससे मजा आ जाए भाई। कह रहा कि नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल अवस्थित है, नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल अवस्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है भाई। केवल तमिलनाडु में है, केवल कर्नाटक तथा केरल में, केवल तमिलनाडु तथा केरल में, केवल तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक में। तो ये कहां स्थित है भाई, ये स्थित है केरल तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक में, केवल तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक में। इसका सही उत्तर क्या है भाई, इसका सही उत्तर है डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है इसको देखिए, चार नंबर का क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है, जुइया लार्वा, समझ रहे हैं, इसका परिवर्तित रूप कह रहा है क्या है। कह रहा माइटिस है कि एलिमा है, मेगालोपा है कि साइप्रिस है, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जुइया लार्वा इज, ठीक है, इसका मॉडिफाइड रूप क्या है, तो ये है माइसिस। क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या है, माइसिस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर आ गया, पांच नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है कि समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण कहलाता है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेस बिटवीन फ्रेश एंड मैराइन वाटर, फ्रेश और मैराइन वाटर में कंप्लीटली विदाउट द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग इन कॉल्ड, बिना ब्रीडिंग के पर्पज से फ्रेश से मैराइन वाटर में, मैराइन से फ्रेश वाटर में अगर ये चल रही है, विचरण कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा। कह रहा है कि कैटाड्रामस माइग्रेशन होता है, एम्फीड्रामस होता है कि एनाड्रामस होता है कि नन ऑफ दीज, इसमें से राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है एम्फीड्रामस, ठीक है, एम्फीड्रामस है। इसका सही उत्तर क्या है, एम्फीड्रामस माइग्रेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छह नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। छह नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायोगिक और अवलोकित ऑब्जर्व, ठीक है, प्रायोगिक और ऑब्जर्व नतीजों के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं, कौन प्रदर्शित करता है, प्रायोगिक अवलोकित मतलब ऑब्जर्व और नतीजा, ठीक है। कह रहा है द रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व के बीच कौन सा प्रदर्शित करता है, साई स्क्वायर। कह रहा है कि थीटा वैल्यू की वेरियंस रेशियो नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या है, साई स्क्वायर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है साई स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न सात नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, सेवन नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस, कह रहा है कि प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन में, प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन में, एनाफेज फर्स्ट में कि एनाफेज सेकेंड में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन में, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन में, ठीक है। अगला आठ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए कि आठ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया, बायोडायवर्सिटी
वर्ष किसको घोषित किया गया, कह रहा है किस वर्ष को, कह रहा है 2008 को घोषित किया गया कि 2009 को, 2010 को कि 2011 को, किसको घोषित किया गया, ठीक है, किसको घोषित किया गया भाई। और इसमें से हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं काफ़ी संख्या है, काफ़ी सक्रिय रहते हैं भाई, काफ़ी तेजी से चलते हैं, बहुत ही अच्छा। इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहेगा तो मैं भी डेली आप लोगों के लिए ही लेकर के उपस्थित होता हूं। जो लोग बिल्कुल हैं चैनल पर हमारे नए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक नहीं है कि तो एक लाइक तो आप दे दीजिए, और मुझे क्या मिलता है मेरे दोस्त, एक लाइक ही आपका मेरा मनोबल और बढ़ाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 2010, ठीक है, 2010 है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज्यादा है, किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज्यादा होता है, द एवरेज वेट ऑफ व्हिच फॉलोइंग वुड इज हैवीएस्ट, कह रहा है चीड़ की लकड़ी की, देवदार की, शीशम की, साल, किसका जो है भार सबसे ज्यादा होता है। इसका राइट आंसर है साल, ठीक है, क्या भाई, इसका राइट आंसर है साल, ठीक है, साल का औसत भार क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ ही हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए फटाफट के अंदाज में बिल्कुल देखते चलिए, क्योंकि हमको चलना है 125 क्वेश्चन तक, बिल्कुल मैराथन क्लास है, तो 125 क्वेश्चन तक आप दिल थाम के बैठिएगा और मजा ना आए तो कहना, समझ रहे हैं। बिल्कुल आप एक बात ये मैं आपसे कहूंगा कि लेकिन हाँ, आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से बायोलॉजी में होना चाहिए और इसी के प्रति आपका पूरा लगन, श्रद्धा, सुमन सब अर्पित कर दीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, एक सीट मुझे मेरी पक्की करनी है, इसी उद्देश्य से, खाना पूर्ति के हिसाब से नहीं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायंत्रण में सम्मिलित है, कौन कीटों के कायंत्रण में सम्मिलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, कह रहा कि केवल किशोर हार्मोन, केवल एक्डाइसोन, किशोर हार्मोन तथा एक्डाइसोन दोनों फिरामोन से, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, किशोर हार्मोन तथा एक्डाइसोन दोनों इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्न में कौन सबसे छोटा आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए, कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन है, ऐसा कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमआरएनए है कि आरआरएनए है कि टीआरएनए है कि एचएनआरएनए है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए इज द राइट आंसर, टीआरएनए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए 12 के साथ 13 भी आगे लपलपाता हुआ कह रहा है फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है, फैमिली कुकुरबिटेसी ऑर्डर से कौन संबंधित है, कह रहा है फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग टू ऑर्डर, किस ऑर्डर से संबंधित है, कह रहा है कि फिकोइडेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, सेफिनडेल्स और मालवेल्स, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है पैसिफ्लोरेल्स, ठीक है, पैसिफ्लोरेल्स जो ऑर्डर है किस फैमिली से बिलोंग करता है, कुकुरबिटेसी से, कुकुरबिटेसी में आप जानते हैं कि जिसमें जो है सब्जियां आती हैं, कद्दू हो गया सब, लौकी, खीरा, ये सब किसमें है, कुकुरबिटेसी में, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, देखिए पैरामीशियम आप जानते हैं कि पैरामीशियम जो होता है उसमें एक गुरु केंद्रक होता है बड़कवा, एक होता है छोटकवा, इसको बड़कवा को कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और छोटकवा को कहते हैं माइक्रो, समझ रहे हैं, माइक्रोन्यूक्लियस, तो इसमें माइक्रो की बात कर रहा है, सूक्ष्म केंद्रक होता है, कह रहा है द्विगुणित होता है कि बहुगुणित होता है कि अप्रजायी होता है कि आरएनए का प्रमुख स्रोत होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, वो तो होता है द्विगुणित, कैसा होता है, वह होता है द्विगुणित होता है, इसका सही उत्तर क्या है, डिप्लॉयड, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो 14 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम फैटी एसिड सिंथेसेड, एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह निर्मित होता है, ठीक है, एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह निर्मित होता है, कह रहा है 5 यूनिट से, 6 यूनिट से, 7 यूनिट से कि 8 यूनिट से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कितने यूनिट से वो निर्मित होता है, फैटी एसिड सिंथेटेज होता है कितने, 8 यूनिट से, इसका राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो उसको भी देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, इसको देखिए, कह रहा है 15 नंबर में, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि संयुक्त द्विबाह्य फ्लोएमी खुले वेस्कुलर बंडल किसके तने मिलते हैं, कंज्वाइंट बाइकोलेट्रल, कंज्वाइंट बाइकोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेमा, किसके, कह रहा है कुकुरबिटेसी, रोजेसी, मालवेसी, रैनकुलेसी, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए कंज्वाइंट कोलेट्रल और ओपन वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, ये होता है कुकुरबिटेसी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल कुकुरबिटेसी ही इसका सही उत्तर है, ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, कब प्रकाशित हुई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है कब प्रकाशित हुई, तो ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। कब प्रकाशित हुई थी मेरे दोस्त, 1859 में प्रकाशित हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि माइमोसा प्यूडिका छुई मुई, डोंट टच मी, टच मी नॉट, जो भी कहिए। देखिए छुई मुई का नाम डोंट टच मी है कि अगर आप टच करेंगे तो कहेगी अरे भाई डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, वो शर्मा भी जाती है, समझ रहे हैं, शर्मा भी जाती है, तुरंत जैसे छुएंगे यूं मुरझा जाएगी, अपना सब कुछ नीचे कर लेगी, समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है डोंट टच मी या टच मी नॉट, छुई मुई। कह रहा कि पत्तियों में कंपन कुंचनी गति में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है, परासरण दाब होता है कि स्फीत दाब होता है, भित्ति दाब होता है कि मिश्रण दाब न्यूनतम होता है। कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर, डिफ्यूज प्रेशर ऑफ डेफिनेट, तो क्या होता है स्फीति दाब होता है, टर्गर प्रेशर। इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, टर्गर प्रेशर बी इज द राइट आंसर। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन वक्र किसकी कमी से दाहिनी ओर स्थानांतरित हो जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन वक्र किसकी कमी से दाहिनी ओर स्थानांतरित हो जाएगा, कह रहा है CO2 सांद्रण से कि तापमान कि pH अम्लता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ pH, इसका राइट आंसर क्या है भाई pH, ठीक है, पोटेंटिक हाइड्रोजिनाई। आप जानते हैं अम्लीय जो pH, जो अम्लीय चीजें होती है उनका pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय का होता है 7 से ज्यादा, आप इसको जानते ही हैं। चलिए अगला 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कूट न करने वाला आरएनए है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए, नॉन कोडिंग आरएनए इसमें से कौन है, कह रहा है एमिक आरएनए है कि एचएन आरएनए है, स्नो आरएनए है, उपयुक्त सभी तो सब है, कौन है, सब है कूट न करने वाले आरएनए इसमें से सब है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, जिक्र करें, इसकी चर्चा करें, तब क्या होगा, सब कर लेंगे जिससे दिमाग में घुस जाए। कह रहा है कि ब्लैडर क्रीम पाया जाता है, ब्लैडर वार्म इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, ब्लैडर वार्म, ठीक है। कह रहा है कि मनुष्य की मांसपेशियों में, सुअर गाय की मांसपेशियों में, मनुष्य के मल में, मृदा में, किसमें पाया जाता है ब्लैडर क्रीमी, इसका राइट आंसर है सुअर या गाय की मांसपेशियों में, इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर का, सभी जीवों को दो एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम, बाप रे 8 किंगडम में 2 एम्पायर्स बाय, ठीक है, किसके द्वारा यह क्लासिफाइड किया गया था, ऐसा कह रहा है, कह रहा आर एच विटेकर के द्वारा, आर एच विटेकर के द्वारा, तो 5 किंगडम थ्योरी दिया था, ठीक है, आर एच विटेकर ने, हीकल ने नहीं, कह रहा है कि वोएज ओमान नहीं, कह रहा है कैवेलियर स्मिथ, ठीक, तो यही इनका उत्तर सही है डी, कैवेलियर स्मिथ इज द राइट आंसर, ठीक है, कैवेलियर स्मिथ इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो उस प्रश्न को भी देख लिया जाए भाई, अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्यों जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि हम मैराथन है, मैराथन क्लास है, और आप जानते हैं कि बिल्कुल रात की बात है, मैराथन मेरी रात की बात है, अगर आपको पढ़ना है तो रात और दिन नहीं समझना है, समझ रहे हैं, और दिन रात समझ लिया ना तो पूरा सब चौपट हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, आप मालामाल नहीं हो पाएंगे, सब गोलमाल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है कि चूजे के भ्रूण विकास में प्राथमिक रेख उष्मायन के कितने घंटे बाद बनती है, चूजे के भ्रूण विकास में प्राथमिक रेख उष्मायन के कितने घंटे बाद बनती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक इन डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर इनक्यूबेशन, आपका 18 घंटा, 16 घंटा कि 20 घंटा कि 22 घंटा, कितने घंटे के बाद बनती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा देख लें जी, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ लोगों के उत्तर गलत, लेकिन कुछ लोगों की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही भाई, और ऐसी ही तैयारी की जरूरत है, इसका राइट आंसर है 18 घंटे बाद। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान नामक दो उपजातियों में से विभक्त की गई है, हैप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान दो जातियों में विभक्त की गई है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जेनेरा नेम्ड हैप्लोजाइलान एंड डिप्लोजाइलान, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा साइकस है कि पाइनस है कि फेड्रा है कि साइलोटम है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका सही उत्तर है पाइनस, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है पाइनस, ठीक है।
एक बार थोड़ा सा वीडियो को और फैलाइए, और बिल्कुल मज़ा तो आ ही रहा है। मैंने देखिए आपसे कहा है कि भीड़ से हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक बार आपका भी जो कर्तव्य बनता है कि जो लोग ऐसे छिट्टे बिछड़े हैं वो भी आ जाएं एक बार ट्रैक पे, परीक्षा होते होते अंत में मज़ा ही आ जाए। अगर सिलेक्शन मिल गया तो क्या बुराई है भाई, सिलेक्शन जितने लोगों का हो जाए उतना ही अच्छा है, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने आप से आप मतलब रखिएगा, भीड़ से नहीं, दुनियादारी से नहीं, ठीक है। और हाँ, कुछ समय के लिए आप सब कुछ परित्याग कर दीजिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, ठीक है। ना तो रिश्तेदारी, थोड़ा सा व्यवहार उहार बनाना, समझ रहे हैं, फुनियाना उनियाना थोड़ा सा कम कर दीजिए, तभी मजा आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया बी। मतलब इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कभी कभी हमारा भी जवनिया लड़खड़ा जाता है। तो लड़खड़ा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा हंसिए लेंगे ना तो कोई हमारा कुछ नहीं होगा, हंस लीजिए। हंसने के लिए थोड़ा सा हंसते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, तब मजा आएगा। करण, निम्नलिखित में कौन सा लवण मृदोद्भिद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण मृदोद्भिद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैलोफाइट? नहीं, हैलोफाइट नहीं है, ऐसा करा है। करा डिस्क्लेस स्ट्राइटा, करा आर्टिमिसिया ट्राइडेंटा, कराए राइजोफोरा और एकॉर्निया क्रैसिपस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? एकॉर्निया क्रैसिपस। कौन? एकॉर्निया क्रैसिपस है, ठीक है। लवण मृदोद्भिद नहीं होता है एकॉर्निया क्रैसिपस, समझ रहे हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अब यहां पर कह रहा है कि कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहा जाता है? स्तनधारियों का युग किसे कहा जाता है? किस कह रहा है? प्री कैंबियन को, पैलियोजोइक को, मीसोजोइक को, सीनोजोइक को। तो किसको कहा जाता है भाई, ठीक है, स्तनधारियों का युग कहा जाता है? सीनोजोइक को। किसको कहा जाता है? सीनोजोइक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर को उठाते हैं, उठा करके इसको पटक देते हैं, ये कभी जो है अड़ी बड़ी नखन नहीं पाए। अब आप सोचेंगे अड़ी बड़ी क्या है? अपनी तकिया कलाम है, समझ रहे हैं, अपनी क्या है? तकिया कलाम है जी, बिल्कुल। जो लोग लाइक नहीं किए एक बार लाइक भी ठोक दीजिए, बिल्कुल, दिल तो खुश ही हो रहा है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। कह रहा है कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है तालाब में। कह रहा है तालाब परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड चाहे तालाब में कहे, चाहे खोपड़िया में कहे, चाहे चिलगोजा में कहे, चाहे जहां कह दे, जहन्नुम में कह दे, तो अगर कह दिया ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है तो आप सदैव इसको क्या करेंगे? सीधा होता है और ऑप्शन वही नहीं देखना है, समझ रहे हैं, कैसा होता है? उल्टा पुल्टा नहीं होता है, केवल कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड अगर नाम ले लिया, किसका नाम ले लिया? ऊर्जा का पिरामिड, तो ये सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, समझ रहे हैं, चाहे आपके पैकेट में, जेब में कहीं की बात कर दे। कह रहा है कि जीनो बायोटिक्स संबंधित है, जीनो बायोटिक्स रिफर्स टू किससे संबंबंधित है? ऐसा कह रहा है जीनो बायोटिक्स, कह रहा है इंडोजीनस जहर से, एंटीबॉडी से, वैक्सीन से, एक्जोजीनस जहर से। तो जीनो बायोटिक्स किससे संबंधित है? यह है एक्जोजीनस जहर से। किससे? एक्जोजीनस जहर से संबंधित है भाई, एक्जोजीनस पॉइजन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ ये मत पूछिए कि एक जो जीनस जार का है, यहाँ इतने बताने के लिए टाइम नहीं है, 125 क्वेश्चन लेके चलना है, मैराथन क्लास है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे। देखिए अगला कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ सर्वाधिक होती है? ऐसा कह रहा है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में, शीतोष्ण वनों में, मानसून वनों में। तो कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होता है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है कहां? उष्णकटिबंधीय वनों में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कोशिका भित्ति का एक तंतु निर्मित होता है, कोशिका भित्ति का एक तंतु किससे निर्मित होता है? वन फाइब्रिल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे? कह रहा है 20 माइक्रोफाइब्रिल से, कि 100 माइक्रोफाइब्रिल से, 250 माइक्रोफाइब्रिल से, कि 50 माइक्रोफाइब्रिल से। किससे निर्मित होता है यह तंतु, समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है 250 सूक्ष्म तंतुओं से। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नंबर 30 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर को देखिए, 30 नंबर। अब कह रहा है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका यहां कह रहा है, समझ रहे हैं, कह रहा है कि ग्लोमेरुलर निस्पंदन का रासायनिक संयोजन रुधिर प्लाज्मा से तुलनात्मक रूप में होता है। द ग्लोमेरुलर कंटेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इन कंपैरिजन विद ब्लड प्लाज्मा इज, कह रहा है आइसोटोनिक यूरिन होता है कि हिप्नोटोनिक हाइपोटोनिक यूरिन होता है कि हाइपरटोनिक होता है कि नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है समवलयी मूत्र, अर्थात क्या? आइसोटोनिक यूरिन इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसे व्युत्क्रम अनुवांशिकी
अध्ययन कहते हैं, व्युत्क्रम अनुवंशिकी अध्ययन, व्हाट इज कॉल्ड द रिवर्स जेनेटिक्स, नाम कुछ ऐसा आया रिवर्स जेनेटिक्स, खूब पढ़ रहे थे जेनेटिक्स जेनेटिक्स, मेंडल वेंडल मटर वटर मटर चना मटर समझ रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड रिजर्व जेनेटिक अप्रोच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कह रहा है जीन से एंजाइम की दिशा में, जीन से एंजाइम की दिशा में कि डीएनए से लक्षण प्ररूप की दिशा में, लक्षण प्ररूप से डीएनए की दिशा में, आरएनए से डीएनए की दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप इज द राइट आंसर, इसका बी सही उत्तर है, ठीक है, डीएनए से लक्षण प्ररूप की दिशा में। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर का क्वेश्चन उसको देखिए, 32 नंबर कह रहा है कि इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया, आगे ना इकोटाइप 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 इकोटाइप, एक होता है इको सिस्टम तो जी टांसले हैं, इकोटाइप किस कौन दिए कह रहा, ओडम की टरेसन की टेंसले की अगला कौन है वार्मिंग, ठीक है, ओडम टरेसन टेंसले और वार्मिंग किसने दिया, इकोटाइप शब्द दिया था टरेसन ने, किसने टरेसन ने दिया था, टेंसले तो दिए थे इको सिस्टम, क्या दिए थे इको सिस्टम शब्द दिया था, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है टरेसन। अगला देखिए कह रहा है विषैले सर्पों के विष दंत रूपांतरित होते हैं, इन पॉइजनस स्नैक, इन पॉइजनस स्नैक फैंग्स आर मॉडिफाइड, किसके जो है मॉडिफाइड होता है, तो कह रहा है मैग्जिलरी दंत के, मैंडिबुलर दंत के, मोलर दंत के, इनमें से कोई नहीं कुछ नहीं, इसका अरे एक ही केवल ध्यान रखिए कि मैग्जिलरी दंत के, ठीक है, मैग्जिलरी टीथ, इसका राइट आंसर क्या है भाई, मैग्जिलरी टीथ इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 34 नंबर का, 34 नंबर, कुछ लोग अराजकता लिख रहे हैं, अराजकता ना लिखिए, समझ रहे हैं काहे ऐसा कर रहे हैं भाई। और देखिए एक बात हम ये भी सोचते हैं कि अगर एक दो लोगों का नाम ले लिए आए उन लोगों के नहीं लिए तो हम हुआ बना लेते हैं, कहेंगे जायद हमारा गुरुजी नमो ही नहीं रह रहे हैं, फिर कमेंट भी करेंगे सर मेरा भी नाम ले लीजिए, भैया कितने लोगों का नाम ले लिए तो बहुत तेज भाग रहा है, आप ही देख लीजिए कितना आप पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं, तो इससे आप लोग नाराज नहीं होइएगा, समझ रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को आप हल करिए, आपका सिलेक्शन लेना है आपको तो आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए, यही मेरी दिल से भी दुआ है आपके लिए, समझ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए मेरे दोस्त और कुछ नहीं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शोष क्रिया प्रणालियों में से कौन डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोगी उपयोग में लाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए, कह रहा है नॉर्दर्न सोथ साउदर्न, ये सब का हिंदी नहीं अंग्रेजी देखिए, नॉर्दर्न ब्लॉट साउदर्न ब्लॉट वेस्टर्न ब्लॉट साउथ और साउथ वेस्टर्न ब्लॉट, अभी मैंने दो दिन पहले इस क्वेश्चन को कराया था, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है साउदर्न ब्लॉट, ठीक है, साउदर्न ब्लॉट इसका राइट आंसर, अभी दो दिन पहले ही मैंने इसको कराया था, ठीक है, प्रैक्टिस में अपने। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है 35 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि जरा यूजी प्रायः मिलता है वीवी पैरिटी जनरली ऑकर्स इन, किस में वीवी पैरिटी मिलती है, ऐसा कह रहा है वीवी पैरी किस में मिलता है, कह रहा है वाउचेरेरिया में, इकाइनोलोप स्टोमा में कि इंट्रोबियस में कि ट्राइक्यूरिस में, ठीक है, किस में वाउचेरिया में कि इनसाइलोस्टोमा में कि इंटीरोबियस में कि ट्राई च्यूरिस में, ठीक है, किसमें मिलता है वोचेर एरिया में, ठीक है, किसमें वोचेर एरिया में मिलता है वीवी पैरियस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखिए भाई, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर का भाई कह रहा है ये टिहरी बांध किस नदी पर बना है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, बताइए किस नदी पर बना है, कह रहा है यमुना नदी पर है कि रामगंगा है, यमुना है कि रामगंगा है कि भागीरथी है कि अलकनंदा है, यमुना गंगा रामगंगा ये सब कहाँ है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है भाई बताइए किस नदी पर है, इसको जरा हम भी समझें, तो यह है कहाँ भागीरथी में, कहाँ है भागीरथी में टिहरी बांध, ठीक है। अगला देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और निराश नहीं होइएगा आप लोग, जब भी आपको निराशा है थोड़ा सा आप लोग जरूर जो है मिलिएगा और बताइएगा कि बिल्कुल निराशा तो रखनी नहीं, अगर सफलता लेनी है तो अपने आप को हमेशा जो है बिल्कुल इनर्जेटिक रखना है मेरे दोस्त, इनर्जेटिक रखना है, कभी निराश नहीं होइएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि किस्मत के खेल से निराश नहीं होते और ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते, इन हाथों की लकीरों में यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, कभी निराश नहीं होइएगा मेरे दोस्त अपने जीवन में। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों तथा उपांग तथा पूंछ और पैर व सींग
ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं। बताइए सब छोटे कहाँ होते हैं, ऐसा कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम परिभाषित करता है कि कौन सा नियम, नियम बताना है, समझ रहे हैं, कि प्राणियों के उपांग, प्राणियों के उपांग उभार, पूंछ, पैर व सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं, ऐसा कह रहा है। कौन सा नियम कह रहा है? बर्गमैन का नियम, ग्लोगन का नियम, जॉर्डन का नियम, एलेन का नियम। एक तो नियम इसमें सुना है, ये नियम है एलेन का, किसका, एलेन का नियम है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए, 38 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है, वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, कौन संबंधित है, कह रहा है इडियोग्राम संबंधित है, इलेक्ट्रोफेरोग्राम है, कि क्लेडोग्राम है, कि क्रोमेटोग्राम है। इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है क्लेडोग्राम। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है क्लेडोग्राम। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कह रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप सेकंड प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज निम्नलिखित में से किन गुणों के कारण अति उपयोगी है, किसके कारण रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ज्यादा उपयोगी है, कह रहा है। अब यहां देखिए, कह रहा है देख क्लेव डीएनए विद इन दियर रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस दे रिक्वायर नो एटीपी, ऐसा कह रहा है। दे रिकॉग्नाइज अ पैलिंडोमिक सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 बॉन्ड पेयर, सॉरी बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स। अगला कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इसका सभी इसमें से फॉलो करता है, सभी के लिए उपयोगी है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए, 40 नंबर। कह रहा है सहगम तंत्र गतिमान करता है, सिंपोर्ट सिस्टम मूव्स, कह रहा है कि एक प्रकार के अणु एकल दिशा में, दो विलेय एकल दिशा में, दो प्रकार के अणु विपरीत दिशा में, एक प्रकार के अणु दो दिशाओं में। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है दो विलेय एकल दिशा में, इसका राइट आंसर है। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए, 41 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। और एक बार थोड़ा सा और लाइक कर दीजिए, तो थोड़ा सा और मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए, एक बार जो भी लोग बचे हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो समझ रहे हैं, हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जीवों की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम है, किस जलीय जीवों की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम है, कह रहा है दलदल की, प्रवाल भित्ति की, ज्वार नदमुख की, उपरोक्त में से किसी नहीं। तो इसका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेटिक बायोम्स हैज द हाइएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कोरल रीफ, इसका राइट आंसर क्या है, कोरल रीफ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए, आगे ना कह रहा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, मैंने अपने लेक्चर में बताया था पहले पिछले वाले में, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है, किस अशुद्ध जल से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, कह रहा कॉज्ड बाय इम्प्योर वाटर ऑफ आर्सेनिक, कैडमियम, नाइट्रेट की, मरकरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, नाइट्रेट। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस पानी में किसके कारण, नाइट्रेट के कारण। ठीक है, अकेडमियम के कारण तो इटाई होता है, समझ रहे हैं, तो और मिनी माटा होता है एचजी के कारण, मिनी माटा, समझ रहे हैं, मिनी माटा डिजीज। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ओ ये क्या, यू कलाकारी करने लगा, हाँ 43 नंबर कह रहा है मकड़ी द्वारा जाला बुनना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जो जाला वाला लगा देती है मकड़ियाँ, समझ रहे हैं, मकड़ी वकड़ी जाला वाला लगा देगी जिसे मच्छर आएगा ना, मच्छरवा को आराम से फंसा करके खा लेती है, समझ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी फंसाने वाले बैठे हैं, बहुत फंसाते हैं, समझ रहे हैं, मतलब लोगों के अपने जाल में फंसा के उसको मरोड़ देते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ क्वेश्चन फंसाना है, आपको भी फंसाना है, लेकिन क्या फंसाना है, क्वेश्चन फंसाना है अपने एग्जाम में, ऐसा फंसाइए कि बिल्कुल आप निकल जाए, क्वेश्चन नहीं फंस जाए, समझ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है मकड़ी द्वारा जाला बुनना एक उदाहरण किसका, कह रहा है अबद्ध सक्रिय प्रतिमान का, अध्यंकन का, सीखे हुए व्यवहार का, कि मोचक का। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, अबद्ध सक्रियता प्रतिमान। नहीं समझ में आया तो इसको समझिए, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। जब भी जलावा बुनती है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे बना लेगा मकड़िया, जब बना लेगा तो कैसे करेगा, इसके बाद यू चलता है, फिक्स पैटर्न चलता है,
इस तरीके से चलता है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक त्रिज्यतः समिति अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा, कह रहा किसमें, पोरीफेरा में कि निडेरिया में, प्लेटीहेलमेंथीज में कि काइनोडर्मेटा में, किसमें रखा जाएगा, तो रखा जाएगा निडेरिया में। किसमें रखा जाएगा मेरे दोस्त, निडेरिया में। ए रेडियल सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विथ डिफरेंशिएशन अ टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, निडेरियन, बी इज द राइट आंसर, निडेरियन, ठीक है। अगला 45 नंबर का क्वेश्चन, 45 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर, अच्छा 40 हुआ 45, हाँ तो ये 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको भी देख लिया जाए। 45 नंबर में कह रहा है पीसीआर चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है, पीसीआर चक्र पॉलीमरेज चेन रिएक्शन साइकिल इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है C2 साइकिल, C3 साइकिल, क्रैब चक्र, EMP पाथवे, किस नाम से जाना जाता है, C3 चक्र के नाम से जाना जाता है, C3 चक्र, ठीक है। अगला कह रहा है वे प्लास्टिक जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो वसा को संश्लेषित करते हैं और संरक्षित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या इओप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, सिरोन्टोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इलियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, जिरेंटोप्लास्ट, इसका राइट आंसर क्या, इलायोप्लास्ट, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 47 नंबर का। देखिए अब 47 नंबर गायब हो गया हो, थोड़ा सा सिस्टम जो है कहीं से गड़बड़ाया जा रहा है, थोड़ा मिस्टेकिंग हो गया, आ गया फिर से ना, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल्केलॉयड रिसरपाइन जड़ों में होती है, एल्केलॉयड रिसरपाइन जड़ों में होती है, एल्केलॉयड रिसरपाइन जड़ों में होती है, द एल्केलॉयड रिसरपाइन इज कंटेंड इन द रूट ऑफ, कह रहा है पेपेवर सोमनीफेरम की, सिंकोना ऑफिसिनेलेस की, रोल्फिया सर्पेंटाइना की, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है, एल्केलॉयड रिसरपाइन जड़ों में होती, किसके, रोल्फिया सर्पेंटाइना की, रोल्फिया सर्पेंटाइना की। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 48 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस के कारण होता है, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस के कारण होता है, कह रहा क्या होता है भाई, कह रहा कि मूल गलन होता है, कि मूल बहुप्रजता होता है, ये सब नहीं समझ में, हिंदी अंग्रेजी देखिए, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस कॉजेज रूट रॉट रूट प्रोलिफरेशन और ट्यूमर ऑफ फॉर्मेशन नेड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, रूट प्रोलिफरेशन, ठीक है, मूल बहुप्रजता, मूल बहुप्रजता इज द राइट आंसर। अगला देखिए, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन करता है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन करता है, कौन कह रहा है, पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की, रेनिन की, रेनिन। अब भैया रेनिन रेनिन दो ठो है यहाँ, REEN RENIN, दोनों में अंतर आप धीम ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो इसका उत्तर है REEN, ठीक है, रेनिन, ठीक है। अगला प्रश्न 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर के क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 50 नंबर में कह रहा है कि रबड़ क्षीर एवं एकलिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं, मतलब प्लांट्स विथ लैटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन, कह रहा है रैनकुलेसी में, रूटेसी में, कि एमरेंथेसी में, कि यूफॉर्बिएसी में, किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है यूफॉर्बिएसी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, यूफॉर्बिएसी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा सा एक बार और शेयर करिए, संख्या बढ़ रही है तो बढ़ा ही दीजिए, मजा ही आ जाए, समझ रहे हैं, और बढ़ जाए मजा आ जाए, ठीक है, और उस दिन के रिकॉर्ड को भी थोड़ा सा ध्वस्त कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, और लाइक भी करते रहिए, थोड़ा सा मजा आ जाएगा भाई, ठीक है, बड़े गर्मी है यार। कह रहा है कि 51 में अस्थि मत्स्य सरीपी सरीसृपों एवं पक्षियों में विपाटन होता है, नहीं हिंदी नहीं समझिए, अंग्रेजी, इन बोनी फिश रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द क्लीवेज इज, ठीक है, क्लीवेज कैसा होता है, विदलन किसमें, बोनी फिश में, रेप्टाइल में और बर्ड में क्लीवेज कैसा होता है। कह रहा है मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, कि मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल, कि होलोब्लास्टिक रेडियल, नहीं, इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल, ठीक है, ब्लास्टिक डिस्क्वाइडल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 52 नंबर,
52 नंबर, देखिए 52 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेचक का कारण है, चेचक का कारण क्या है, कह रहा है कि वायरियोला है, कोक्सिएला है, कि एडिस है, फ्रेंसिलेला है, नहीं इधर देखिए, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई वायरियोला कोक्सिएला एडीज फ्रेंसिसेला, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, वायरियोला है, क्या है, वायरियोला इज द राइट आंसर, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई वायरियोला वायरस, ठीक है, वायरियोला वायरस के कारण ही स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 53 नंबर कह रहा है कि वाहिकाएं पाई जाती हैं, वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल किस में पाई जाती है, कह रहा है पाइनस में पाई जाती हैं, कि फिड्रा में होती हैं, कि साइकस में होती हैं, कि ऊपर लिखित में से किसी में भी नहीं, किस में होती हैं, इफेड्रा में, किस में पाई जाती हैं, इफेड्रा में, वेसल्स आर फाउंड इन इफेड्रा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक्जोलोटल डिम्बक दर्शाता है, एक्जोलोटल लार्वा एग्जिबिट क्या दर्शाता है, यहाँ पर कह रहा है केवल डिम्बक जनन, केवल छद्म जनन, डिम्बक जनन छद्म जनन दोनों, ये सब छद्म ओनली पीडोजेनेसिस ओनली इसका राइट आंसर मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, बोथ नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्न में कौन एक समांतः रेंडियर मॉस कहलाता है, ठीक है, रेंडर मॉस, रिएंडर मॉस किसे कहते हैं, मतलब लाइकेन वाला चैप्टर है, कहला क्लाइडोनिया रंगी फेरिना फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका स्फैग्नम खासियाना स्फैग्नम साइलोनिकम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्या है, क्लाइडोनिया रंगी फेरिना, क्लाइडोनिया रंगी फेरिना, ठीक है, इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं भाई, कह रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं, नहीं हाँ ऊपर तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार प्रकार के रथ यथा एल्बिनो हिमालयी, एल्बिनो अंगूठी एवं चिंचिल्ला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं, क्योंकि एक जीन्स में हो सकते हैं। फोर काइंड्स ऑफ स्किन कलर्स आर फाउंड इन रैबिट्स, नेमली एल्बिनो हिमालयन, एल्बिनो एगोल्टी एंड चिंचिला, बिकॉज अ जीन कैन हैव, ऐसा कह रहा है, तो कह रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ए पेयर ऑफ म्यूटेंट आइसो एलिल्स, लेस देन टू एलिलोमार्फ्स, मोर देन टू एलिलोमार्फ्स, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, तो मोर देन एलिलोमार्फ्स इसका डी सही उत्तर होगा, जी बिल्कुल डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है, कह रहा है लेटराइजेशन की पोडोसोलाइजेशन ग्लिसेशन उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है, सब, लेटराइजेशन है, पोडोसोलाइजेशन भी है, ग्लिसेशन भी है, सब संबंधित है, इसका मतलब कौन, डी सही उत्तर है। अगला देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन को यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है कार्डेटा में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों में आगे की ओर होता है, कार्डेटा में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों में पीछे की ओर होता है, कशेरुकों में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों में पीछे की ओर होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, कौन सा कथन सत्य है, कार्डेटा में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों पीछे की ओर होता है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, इन कॉर्डेट्स ब्लड फ्लो पोस्टीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, कह रहा है कि आज के क्वेश्चन है ना बहुत, इसमें कई लोग ऐसे हैं उनको पढ़ना ना लिखना समझ बुरा नहीं मानिएगा, मैं देखता हूँ कि ऐसे लिखते हैं सर बहुत सरल है, बहुत सरल है, अरे भैया आपका सिलेक्शन हो जाए तो और अच्छी बात है, सरल है तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आ जाए तो और महा अच्छी बात है, समझ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस हो गया, समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको मना करते रहिए, फिर वही करेंगे, फिर वही लिखेंगे, बार बार वही लिखेंगे, पगला जाएंगे, समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, पगलाना नहीं भाई, आपको सिलेक्शन लेकर के चलना है। देखिए कह रहा है पिस्तांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंत्र प्रत्येक मायोसिन तंत्र को घेरे रहते हैं, कितने को घेरे रहते हैं, ऐसा कह रहा है 3 को 6 को 9 को 12 को, कितने को घेरे रहते हैं भाई, इसका राइट आंसर क्या है, 6 को, ठीक है, कितने तंत्र को घेरे रहते हैं, 6 तंत्र को घेरे रहते हैं। अगला का प्रश्न क्या कह रहा है, अगले के प्रश्न को देखिए, कह रहा है यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय,
ठीक है, बेसल बॉडी का केंद्रीय कोर सुसज्जित होता है। केंद्रीय कोर किससे सुसज्जित होता है? कह रहा है इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर इक्विप्ड विथ, कह रहा है कि एल एवं बी, ये सब हिंदी है यार, इधर देखिए अंग्रेजी की तरफ, कह रहा है कि एल एंड पी रिंग ऑन इनर साइड, एम एंड एस रिंग ऑन आउटर साइड, एल एंड पी रिंग ऑन आउटर साइड एंड एस एंड एम रिंग ऑन इनर साइड, यही इसका सही उत्तर है, यही इसका सही उत्तर है, समझ रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है निलयी आकुंचन प्रेरित होता है, निलयी आकुंचन प्रेरित होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाई, कह रहा है एस ए नोड, ए वी नोड, पल्मोनरी वाल्व, ए वी ऑपरेटर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए वी नोड, ए वी नोड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 62 नंबर, ठीक है, 62 नंबर कह रहा है कि फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरित होता है, ठीक है, कह रहा है इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन आकर्स बिटवीन क्रोमोसोम, कह रहा है किसके किसके बीच स्थानांतरित होता है, कह रहा है गुणसूत्र 9 तथा 22 के मध्य, गुणसूत्र 7 तथा 22 के मध्य, कह रहा है कि गुणसूत्र 10 तथा 21 के मध्य, गुणसूत्र 6 तथा 16 के मध्य, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गुणसूत्र 9 तथा 22 के मध्य, ठीक है, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरित होता है 9 तथा 22 के मध्य। अगला देखिए स्तनियों में आंवल बनता है, आंवल आंवल आंवल, स्तनियों में आंवल बनता है, प्लेसेंटा इन मैमल्स इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनता है? कह रहा कि एलियंटोइस, एमनियोन, कोरियोन, कि बोथ ए एंड सी, तो इसका राइट आंसर क्या है? कोरियोन, ठीक है, जरायु द्वारा, क्या किसके द्वारा? जरायु द्वारा, कोरियोन द्वारा बनता है, किसके द्वारा? कोरियोन द्वारा बनता है। चलिए अब अगला देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 नंबर का ये क्वेश्चन है 64 नंबर का, तो इसमें थोड़ा सा इसको क्या किया, आयोग ने इसको फॉल्स मान लिया था, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया था? फॉल्स कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को हम भी कर देते हैं फॉल्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 65 नंबर, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजीज, कह रहा है प्रोफेसर बीरबल साहनी नहीं, आर पी रॉय नहीं, एम ओ पी अंगर सेवालवाल से संबंधित है, तो पेलियोबॉटनी से, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी, यही है, डी इसका सही उत्तर है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 66 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन, अब कह रहा है 66 नंबर में अर्थवर्म यानी केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है? क्या समानता है भाई, ये तो क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, व्हाट द कॉमन बिटवीन अर्थवर्म लीच एंड सेंटीपीड, क्या इसमें कॉमन है भाई? इसका कह रहा है सभी में मैल पीघी नलिकाएं होती हैं, सभी में नालको तंत्रिका रज्जु अधर में होती है, इसका सही उत्तर यही है, ठीक है, सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्टार फिश की लार्वा अवस्था नहीं है, स्टार फिश की लार्वा अवस्था नहीं है, विच वन आर नॉट लार्वल स्टेज ऑफ स्टार फिश, कह रहा है कि प्लैनुना, डाइप्लोरुला है, बाइपिनेरिया है, ब्रैंक्यूलेरिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लैनुना, प्लैनुना जो है स्टार फिश की लार्वल अवस्था नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न थोड़ा सा, अगला थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए अच्छे से ढंग से, और देखिए कितना बड़ा है, पूरा एक प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि सूची एक को सूची सेकंड से सुनियमित कीजिए, ये सूची एक है, ये सूची सेकंड है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग सही करके उत्तर चुनिए, ऐसा कह रहा है कि उत्तर चुनिए कूट करके, समझ रहे हैं, कह रहा है कि संकटापन्न श्वेत पत्र नहीं, आम्बर पत्र नहीं, हरित पत्र, लाल पत्र, हाँ संकटापन्न लाल पत्र मतलब इंडेजर्ड जो है रेड सीड से संबंधित है, एक का चौथा मिला, एक का चौथा मिला, और कह रहा है सुभेद्य अंबर पत्र, सुभेद्र मतलब क्या, वल्नरेबल अम्बरेबल सीट, जी बिल्कुल, और अगरा कह रहा है हाँ अगला में देखिए, अगले में क्या कह रहा हो, तिसरका से कह रहा है कि दुर्लभ, दुर्लभ का किससे कह रहा है, दुर्लभ तो ये श्वेत पत्र हो गया, अब बचा एक ठो, तो ये बचा हरित पत्र, संकट से बाहर तो हरित पत्र हो गया, तो किससे मिल रहा है, ठीक है, मतलब इसमें होना चाहिए आपका किससे होना चाहिए, एक का चौथे से हो गया, एक का चौथा, और दो का किससे हो गया भाई, दो का दो से हो गया, दो का और तीन का एक का, तो कुल मिला के किससे मिल रहा है, चौथा दो एक तीन ए, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं, अगला प्रश्न
करा 69 में देखिए, करा एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना की थी, किसने संकल्पना की थी, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की संकल्पना किसने की थी, ऐसा कह रहा है। करा इमुंच रॉबिन विंच जेलिंच बोस, तो इसका राइट आंसर क्या है, ई मुंच, ठीक है, ई मुंच ने इसकी परिकल्पना की थी, ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन अणु सर्वाधिक विशाल है, कौन प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन अणु सर्वाधिक विशाल है, करा IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है IgM, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन यम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न उसको देखा जाए, ठीक है, ये तो 70 था, अब ये 71 आ गया, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूजायांग धर पाया जाता है, एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट इन, एंड्रोगाइनोफोर किस में पाया जाता है, कह रहा है क्लियोमी गाइनेंड्रा में, मुसांडा फ्रांडोसा में, रवेनला मेडा, वह अंग्रेजी देखते हैं यार, क्लियोम गाइलेंड्रा, समझ रहे हैं, क्लियोम गाइलेंड्रा, मुसेंड्रा फ्रोंडोसा, रावेनला मेडगास्कुलेरेंसिस, नन ऑफ द अबव, ऐसे इसे नाम है यार, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है क्लियोम गाइलेंड्रा, ठीक है, क्लियोम गाइलेंड्रा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें, कह रहा है किसमें जलीय जीवन अनुकूलन द्वितीयक होता है, द्वितीयक होता है, किसमें जलीय जीवन अनुकूलन द्वितीयक होता है, इन विच एडाप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी, किस में होता है मेरे दोस्त, कह रहा है कि व्हेल में, सील में, परप्सस में, परप्सस में, किस उपरोक्त सभी में, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी में, इसका डी सही उत्तर है, डी सही उत्तर है, डी सही उत्तर है, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर का, क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, 73 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी भ्रूणी झिल्ली भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करती है, भ्रूणी झिल्ली भ्रूणी मूत्राशय का कार्य कौन करती है, कह रहा है अपरा पोषिका, पीतक कोष, उल्व तथा जरायु, तो इसका राइट आंसर कौन है, एलेंटोइस, अपरा पोषिका, ठीक है, अपरा पोषिका एलेंटोइस इज द राइट आंसर, अपरा पोषिका एलेंटोइस। अगला कह रहा है देखिए किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, किसमें न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, कह रहा है कि चालनी नलिका में, सख्य कोशिका में, पोषवाह मृदूतक में, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है, सीव ट्यूब में, किसमें, सीव ट्यूब में, इसका राइट आंसर क्या हो गया, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए, 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर में कह रहा है अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इन वर्टिब्रेट द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, कह रहा है इथ्रोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लाज्मा की थ्रोम्बोसाइट्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं भाई, देखिए इतना लगातार चलते रहना भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं, इतना बिल्कुल पसीने से तर बतर ऐसा, समझ रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोगों का हौसला नहीं कम होना चाहिए बिल्कुल, हाँ थोड़ा हमारा भी लाइक भी बढ़ा दीजिए, और जितने लाइव है लाइक की संख्या उतनी नहीं है तो लाइक बढ़ाइए भाई, थोड़ा सा मजा आए, समझ रहे हैं, तभी तो आएगी मजा। आपने गाना सुना होगा कि आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है, सुना है ना, का लोग सुनाना, और कहेंगे तो हम सुना भी देंगे लेकिन आज नहीं सुनाएंगे, शर्मा रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, कह रहा है बहिर्जनित विष वह होते हैं जो, कह रहा है क्या जो, कह रहा है कि वाह पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं, बाहर पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं, बहिर्जनित विष कहलाते हैं, यही तो सही है, यही तो इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो आगे काहे चलें, क्या समय फालतू का बर्बाद करेंगे, समझ रहे हैं। कह रहा है पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका बताइए, सबसे लंबी कोशिका पौधे प्लांट जगत की, कह रहा है फिड्रा में, कारा में, एक्टोकार्पस में, कि मार्केंसिया में, बताइए किस में होता है सबसे लंबी कोशिका, तो इसका राइट आंसर क्या है, कारा में, कारा इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या भाई, कारा इज द राइट आंसर। अगला देखिए 78 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, 78 नंबर में देखिए, 78 नंबर का क्वेश्चन अब यहां कह रहा है कि विषम शब्द खोजिए, LD50, LC50, EC50, LE50, समझ रहे हैं, ऐसा तो विषम कौन है, LE50, कौन विषम है, LE50, इतनों एक सेम है। चलिए अगला कह रहा है क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में पालमेला अवस्था की कोशिकाएं हिमेटोक्रोम विकसित करती हैं और अचल सुप्त बीजाणु बन जाती हैं, बताइए कौन सी अचल सुप्त बीजाणु बन जाती हैं, कह रहा है क्लेमाइडोमोनास काडेटा में, क्लेमाइडोमोनास युगैमिटास में, क्लेमाइडोमोनास क्लिनियाई
में, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में। तो इसका राइट आंसर है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। जानते हैं कि बर्फ पर रहता है, कहाँ रहता है? क्लेमाइडोमोनास बर्फ पर रहता है। तो इसका डी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं कि 80 नंबर में क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। कैपिटुलम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? कह रहा है कि अजेरेटम में, कि हिबिस्कस में, कि साइसर में, कि ग्लूमेरिया में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? एजेरेटम में। किसमें? एजेरेटम में इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कह रहा है अगला प्रश्न कि डीएनए के आरएल मॉडल का सुझाव किसने दिया था? डीएनए का आरएल का मॉडल सुझाव किसने दिया था? कह रहा है एमएचएफ विल्किंस में, एचजी खुराना ने, शशि शेखरन ने और चारगॉफ ने। अभी यह क्वेश्चन पिछली बार आया था, मैंने करा था अपने प्रैक्टिस में। शशि शेखरन इज द राइट आंसर। शशि शेखरन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं? ये भी तो कराया था, किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं? विच इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। किसे कहते हैं बर्थ हार्मोन? तो ये कौन है? कह रहा है वैसोप्रोसिन है, पैंक्रियोजाइडमिन है, कि ऑक्सीटोसिन है, कि प्रोजेस्टेरॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुल में C3, C4 एवं कैम पादप जातियां पाई जाती हैं? ये भी तो कराया था, समझ रहे हैं? किस कुल में? कह रहा है कि ये तीनों C3, C4 और कैम जातियां पाई जाती हैं। क्रैसुलेसी नहीं, कैक्टेसी नहीं, पोएसी नहीं, यूफॉर्बियसी। जी, यूफॉर्बियसी में। किसमें? यूफॉर्बियसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु में इसी क्रम में होता है? निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु में इसी क्रम में होता है? मतलब पहले प्रोटोजोआ के द्वारा होता हो, फिर जीवाणु के द्वारा, फिर विषाणु के द्वारा। तो कह रहा है मलेरिया, मलेरिया और गलसुआ। तो गलसुआ तो जीवाणु नहीं होता है, ये गलत हो गया। कह रहा है अमीबियासिस, अमीबियासिस जिसमें पेंसिस होसिस ऐठन ऐठन होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा आता है। कह रहा है पोलियो जीवाणु नहीं, वायरस द्वारा होता है, यह गलत है। कह रहा है निंद्रा रोग, ये होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। रोहिणी ये होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। यकृत बी वायरस के द्वारा। तो यही सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कोशिकाओं का माइटोकांड्रियल डीएनए नहीं होता है। कह रहा कैसा नहीं होता है? नग्न नहीं होता है, द्विसूत्री, वृत्ताकार, प्रायतिक, उत्पत्ति का, कैसा नहीं होता है भाई? माइटोकांड्रियल डीएनए, माइटोकांड्रियल डीएनए ऑफ ह्यूमन सेल्स इज नॉट। कह रहा नेक्ड, कि डबल स्टैंडर्ड, कि सर्कुलर, ऑफ पैरेंटल ओरिजिन। ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर क्या है? पैतृक उपस्थिति का। किसका? पैतृक उपस्थिति का, 85 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा बताइए अगले का उत्तर क्या होगा, अगले का उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? ठीक है, बताइए अगला प्रश्न आपके सामने ही है। 86 नंबर क्वेश्चन, और एक ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर उठा दें, ऊपर उठा देते हैं। लो भैया उठा दिया 86 नंबर। आज क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना? बहुत उछलते थे कुछ लोग, सर बहुत ढीला ढाला है, क्वेश्चन का लेवल बहुत कमजोर है। तो आज तो ठीक है, देख रहे हैं पीजीटी के क्वेश्चन है, ये पूरा पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। चलिए, करा किस जात में सीटा परिपक्वता पर 50 mm तक लंबा तथा लगभग पारदर्शी हो जाता है? किस जात में सीटा मतलब मैच्योर होने पर 50 mm तक लंबी हो जाती है और लगभग पारदर्शी हो जाती है? करा मार्केंसिया में, पेलिया में, फ्यूनेरिया में, किस फैगनम में? तो किस में होता है? पेलिया में। किस में होता है? पेलिया में, समझ रहे हैं? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 87 नंबर में कह रहा है कि सुक्रोज में निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है? सुक्रोज में कौन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है? सुक्रोज में, जो सुक्रोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो कौन सा पाया जाता है सुक्रोज में, कौन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? कह रहा है α1 4 β1 4 α1 β2। ठीक है, तो जी बिल्कुल यही सही है इसका उत्तर, α1 β2। ठीक है, आप जो बायोमालिक्यूल है, बायोमालिक्यूल जय अणु, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें विस्तार से इसको बिल्कुल बता दिया गया है, समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 88 नंबर का क्या कह रहा है? 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 88 नंबर का क्वेश्चन इसको ध्यान दीजिए, 88 नंबर का क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उस घटना की संभाव्यता प्रदर्शित करता है जो अभ्य अवश्य भावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन? ठीक है, कह रहा है P=1, P=10, P=50, P=100। इसका सही उत्तर क्या है? P=1 इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न 89 नंबर में। कह रहा है कि कोकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दुधिया तरल पदार्थ भरा होता है, यह है क्या है, किस प्रकार का है। कह रहा है कि नाभिकीय इंडोस्पर्म तरल बहुकेंद्रकी कोशा द्रव्य अज्ञात आकार की काबिलियन यही छोड़ करके दुईठो हैं ऊपर वाले। ये नाभिकीय होता है मतलब न्यूसिलर इंडोस्पर्म भी है, लिक्विड सिंकाइटियम भी है, ठीक है, सिंसिटियम भी है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला, एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है, एक हीमोग्लोबिन अणु किसका संवहन करता है। कह रहा है चार O2 के अणुओं का कि तीन O2 के अणुओं का, दो O2 के अणुओं का, एक O2 के अणुओं का, किसका संवहन करता है एक हीमोग्लोबिन अणु, कितने, चार O2 अणुओं का, चार O2 अणुओं का संवहन करता है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन अणु। अगला 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 91 नंबर का क्या कह रहा है देखिए इसको। वाह भाई क्या बात है, इतने ही लोग लेकिन बढ़िया हो। मैंने कहा था दाने कम ही हो लेकिन अंकुरित करने वाले हों, जर्मिनेट करने वाले हों, बाकी बहुत ढेर सारा ले आ लिया कोई अंकुरित नहीं हो रहा था, क्या मतलब है, लेकिन मजा आएगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा लाइक की संख्या भी कम है, पढ़ा दीजिए थोड़ा सा तब मजा और आ जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को, कह रहा है कि गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इन टर्म्ड। कह रहा है कि जीन लोकलाइजेशन, जीन सीक्वेंसिंग, कह रहा है क्रोमोसोमल मैपिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, तो क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल मैपिंग, ठीक है, क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 92 नंबर को देखिए, 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, 92 नंबर के क्वेश्चन को। कह रहा है कि स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा पथ संबंधित है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स रिफर्स टू, कह रहा है पेयर्ड आर्टरीज, पेयर्ड वेन्स, द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस इन हार्ट एज क्विकली, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन टू टू टर्म्स, वन फॉर्म हार्ट टू लंग एंड बैक टू रेस्ट ऑफ बॉडी फॉर्म हार्ट। यही सही इसका उत्तर है, ठीक है, यही इसका सही उत्तर है कि पूरी प्रक्रिया में दो बार में होती है, प्रथम हृदय से फेफड़े तक और वापस फिर हृदय से पूरे शरीर तक चलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 93 नंबर का क्वेश्चन, 93 नंबर कह रहा है कि पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों तक की ओर बढ़ती है, कह रहा है किस प्रकार की श्रृंखला होती है, डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी, इसका प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला है। यह क्वेश्चन भी आ चुका था, मैं आपको अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसका भी उत्तर बता चुका हूं, ठीक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। 94 नंबर देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, यह आयोग ने बिल्कुल इसको भी फाल्स बना दिया है, ग्लूकागन उत्प्रेरित करता है, इसमें जितने भी चीजें हैं मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, यह भी बिल्कुल क्या है, फाल्स है, क्या है, फाल्स इसको कर दिया गया आयोग के द्वारा। 95 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, 95 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था भाई, मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष हुआ था, 1972 में, यह भी हो चुका है। लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको पिछले अपने सीरीज में करा चुका हूं, ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर 1972 ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न में कह रहा है सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका क्या करता है, कह रहा है सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिसियस स्पिक्यूलसिज, कह रहा है कि स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है, सहजीवी शैवालों द्वारा दिया जाता है, जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है, जी बिल्कुल स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित कर दिया जाता है सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए, सिलिका समझ रहे, निष्कासित कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न देखिए, 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है, निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है, साइलोटम, लाइकोपोडियम, रिक्सिया, इक्विसीटम, इसका राइट आंसर क्या है, इक्विसीटम हरा स्पोर पैदा करता है, कौन, इक्विसीटम हरा स्पोर पैदा करता है। अगला 98 नंबर कह रहा है पाइला में वायु शोषण होता है, पाइला में वायु शोषण कैसा होता है, कह रहा है कि फुफ्फुसी कोश में प्रावरणी द्वारा, टीनिडियम द्वारा, ब्रैंकी द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या है, पल्मोनरी सैक में, किस में होता है, फुफ्फुसी कोश में, पल्मोनरी सैक में, ठीक है।
एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला अकर्स इन पल्मोनरी सैक, ठीक है। और जब अगर पानी वानी चला गया तो कौन सा पल्मोनरी नहीं बल्कि कौन ब्रैंकी श्वसन होता है। चलिए अगला 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए 99 में कह रहा है प्राकृतिक पाए जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, समझ रहे हैं। कह रहा है कि सेलाइवा लार में कि आंसू में ए बी दोनों में उपरोक्त कोई नहीं, ये बहिस्रावी प्रकार का एंजाइम है तो ये दोनों में पाया जाता है, लार में भी और आंसू में भी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है 100 नंबर में इलेटेरिया कार्डामोमम, ठीक है, कार्डामोमम किसके अंतर्गत आता है, इलेटेरिया कार्डामोमम बिलोंग्स टू, ठीक है, कह रहा है डाइकॉट मोनोकॉट की कोनिफर की कह रहा है मोनोक्लेमाइडी, इसका राइट आंसर है मोनोकॉट में आता है, किस में आता है मोनोकॉट में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है उसको भी देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, मैराथन क्लास है, थोड़ी लंबी हुई होती है और लगातार आप जानते हैं भाई बहुत मेहनत पड़ती है, समझ रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ और आज थोड़ा सा इसका लेवल भी थोड़ा सा क्या है, लेवल थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, समझ रहे हैं। तो चलिए देख लिया जाए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण, किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्ररूप परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रबल प्रभाविता, घातक जीन्स, स्वार्थी जीन्स, प्रबलता, तो इसे कहते हैं इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रबलता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है, रूट नॉट रोग डिजीज कास्ड बाई, कह रहा है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा, वायरस फंजाई, किसके द्वारा होता है रूट नॉट डिजीज, बताइए किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई, इसका आंसर बताइए फटाक से बताइए, किसके द्वारा होता है, ये होता है निमेटोड्स के द्वारा, किसके द्वारा होता है, निमेटोड्स के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 103 नंबर में, 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है 103 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देख लिया जाए। 103 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि काकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है, काकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है कार्पोरा कार्डियक्का द्वारा, प्रोथोरा ग्रंथि द्वारा, कार्पोरा एलाट्टा द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, तो किसके द्वारा, कार्पोरा एलाट्टा द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कार्पोरा एलाट्टा द्वारा होता है, समझ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो ही चुका है, तो बिल्कुल वाह क्या बात है भाई, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तब भी मैं इतने ही लोग में बहुत खुश रहता हूँ, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा संख्या और क्रॉस कर दीजिए, आप समझ रहे हैं एक बाउंड्री बन रही है तो उस बाउंड्री को थोड़ा क्रॉस ही कर दीजिए, समझ रहे हैं, तो और मजा आ जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखिए पीजीटी का जो क्वेश्चन है हल्के में ना लीजिए इसको, क्योंकि यह खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, समझ रहे हैं, तो इसमें तेल निकल जाता है बिल्कुल, लेकिन नहीं, जो लगन और मेहनत के साथ शिद्दत से जुड़े ही रहते हैं ना उनके लिए कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है उनके लिए, समझ रहे हैं, और उनके लिए तो एकदम मस्त, एकदम आपके लिए सब कुछ मस्त है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर कह रहे, कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीव मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, बैसिलस थ्रिजिनेंसिस, राइजोबियम मिलिलोटी, इस्चेरिया कोलाई, ये दोनों नहीं है, कौन है, इस्चेरिया कोलाई है, इकोलाई, कौन है, इकोलाई, यह इसका सही उत्तर है, इकोलाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सूक्ष्म जीव मानव इंसुलिन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, इकोलाई। 105 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन इसको देखिए, 105 नंबर के क्वेश्चन को, 105 नंबर में कह रहा है कि मोती की माता नाम से जाना जाता है, मोती की माता किस को कह रहा, कांक्योलिन की, कैल्साइट की, नेक्री लेयर, इनमें से कोई नहीं, तो मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, किसे कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल इसे कहा जाता है नेक्री लेयर को, किसको कहा जाता है, नेक्री लेयर को कहा जाता है, नेक्री लेयर। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो जाकर लेक्चर भी आप देख सकते हैं, वहां पर पूरे विस्तार से आपको बताया भी गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न को 106 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जात संकेत पद को दोहराता है क्या कहलाता है, ए बोटेनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट्स एग्जैक्टली द जेनेरिक नेम इज कॉल्ड, कह रहा है टाटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, आटोनिम, तो क्या है, कहलाता है टाटोनिम, क्या कहलाता है मेरे दोस्त, टाटोनिम कहलाता है। चलिए 107 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 107 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पश्चिमी हिमालयी पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार है, पश्चिमी हिमालयी पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार है, कह रहा है 1000 से 5000 फीट समुद्र तल के ऊपर, फिर कह रहा है यहाँ पर 5000 तल से 10000 समुद्र फीट तल के ऊपर, 5000 से 11675 फीट समुद्र तल,
से ऊपर, और यही इसका सही उत्तर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 11,675 फीट समुद्र तल से ऊपर, ठीक है। अगला 108 नंबर में क्या कह रहा है, 108 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है उसको भी देखिए। 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ परिस्थिति विज्ञानी हरे पौधों को पारक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं, ना कि क्या नहीं कहना पसंद करते हैं, समपरिवर्तक, उपभोक्ता, उत्पादक, अग्रगामी, तो क्या उत्पादक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, उत्पादक। कुछ पारिस्थितिकी विज्ञानी हरे पौधों को परिक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं, न कि उत्पादक, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, प्रोड्यूसर, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, तो आप जानते हैं आयनोस्फीयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर, जी हाँ, किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ओजोन लेयर जिसे आप कहते हैं बिल्कुल छतरी कहते हैं, मतलब हमारे जीवन को क्या करती है, रक्षा करती है, हमारे पूरे यहाँ पर जितने भी जीव हैं इस जीव मंडल में। अगला देखिए 110, अच्छा 110 नंबर का, 110 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पत्तियों के तने पर लगने के पेंटास्टिकस तरीके में कोणीय विस्थापन है, कह रहा है कितना कोणीय विस्थापन। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आ गया भाई, कितना कोणीय विस्थापन है, 360 डिग्री का एक बटा तीन, 360 डिग्री का 2/5, 360 डिग्री का 1/2, 360 डिग्री का 1/4, तो इसका राइट आंसर क्या है, 360 डिग्री का 2/5, ठीक है। चलिए 111 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 111 नंबर के क्वेश्चन को इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है वर्ग में समपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है, किस वर्ग में जो है सिनेंड्रस स्टामिन आर फाउंड इन फैमिली, किस फैमिली में सिनेंड्रस स्टामिन पाया जाता है। कह रहा है स्टेरेसी में, कि मालवेसी, कुकुरबिटेसी, पैपेलियोनेसी, तो किसमें पाया जाता है, स्टेरेसी में। स्टेरेसी का दूसरा का नाम क्या है, कंपोजिटी, जिसमें सूरजमुखी उखी आता है उसी में सिनेंड्रस स्टामिन होते हैं, ठीक है, सिनेंड्रस। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए थोड़ा सा, अच्छा अगला प्रश्न थोड़ा स्टेटमेंट भी दिया है, स्टेटमेंट दिया है, देखिए बहुत खतरनाक के प्रश्न होते हैं भाई, खतरनाक। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलो विचार करते हैं। सभी मीन अंडे देती है, क्या कह रहा है, सभी मीन अंडे देती है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है, नहीं ऐसा थोड़ी ना है। सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, काहे नहीं उड़ते, कुछ पक्षी तो उड़ते हैं ना। कह रहा है सभी छिपकलियां विषैली होती हैं, नहीं कुछ नहीं होती हैं। वाइपर का विष तंत्रिका नहीं है, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो इसमें से केवल दुई हमको सही लग रहा है, कह रहा है कि केवल एक तथा दुई सही है, नहीं केवल दुई, तीन तथा चार सही है, नहीं केवल दुई तथा पाँच सही है, नहीं केवल दुई सही है, यही केवल इसमें से कौन सही है, दुई सही, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, ठीक है, कुछ उड़ते हैं कुछ नहीं उड़ते हैं, समझ रहे हैं। ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, कुछ नहीं उड़ते हैं भाई, जैसे बत्तख तख तो कहाँ उड़ती है, वो तो पनियम चलेगी ना, दौड़ेगी, तैरेगी, स्विम करेगी, मस्ती करेगी, नहाएगी। अगला देखिए 113 नंबर, 113 नंबर में कह रहा है कि ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है, स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, ठीक है, कौन स्टेन यूज किया जाता है। कह रहा है एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, ट्राइपेन ब्लू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फटाक से आप लोग बता ही दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है शरीफा, सीताफल, एनोना एक्वेमोसा, ठीक है, एनोना एक्वेमोसा, कह रहा है शरीफा है, किस प्रकार का फल है, सग्रंथिल फल है, एकल फल है, पुष्पपुंज फल है, साइकोनस फल है, तो किस प्रकार का है, एग्रीगेट फ्रूट है, कैसा है शरीफा, कैसा है, एग्रीगेट फ्रूट है, कैसा है भाई, एग्रीगेट फ्रूट है शरीफा। अगला देखिए 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 115 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जरा, कह रहा है 115 में कि उभय फ्लोएमी लाल रंभ किसमें पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील किसमें पाया जाता है, करा लाइकोपोडियम इफेड्रा सिलाजिनेला मार्सिलिया, किसमें पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील, जी बिल्कुल बताइए, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील किसमें पाया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है डी, मार्सिलिया में पाया जाता है, किसमें, मार्सिलिया में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम अगर बढ़ें तो देखिए अगला प्रश्न 116 नंबर का जो कह रहा है किस खंड के द्विगुणन के कारण ड्रासोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है, डुप्लीकेशन ऑफ विच रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज बार आई कैरेक्टर इन ड्रासोफिला, कह रहा है यहाँ पर कि वाई गुणसूत्र का खंड 16 है, एक्स गुणसूत्र का खंड 16 है, वाई गुणसूत्र का खंड 18 है, वाई गुणसूत्र का खंड 18 बी, तो इसका राइट आंसर क्या है, एक्स गुणसूत्र का खंड
16A, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। कौन? बी इसका सही उत्तर है। 117 नंबर का क्वेश्चन को देखें, तो 117 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए जरा एक बार, थोड़ा सा और संख्या और थोड़ा बढ़ा दीजिए, कहां तक जा सकता है, हद से गुजर जाएंगे, ऐसा कुछ आपने गाना भी सुना है, समझ रहे हैं कि हद से गुजर जाना है, प्यार में जीना है और मर जाना है। तो प्यार में नहीं बल्कि आपको बायोलॉजी में ही जीना है और मर जाना है, हालांकि मरना नहीं है, आपको जीते रहना है, सिलेक्शन लेकर शेर की तरह दहाड़ के चलना है कि देखो मैं भी, मेरे पास भी एक जॉब है और मैं भी बायोलॉजिस्ट हूँ, समझ रहे हैं, और यही सिद्ध करना है आपको। कह रहा है किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्शी होती है, समझ रहे हैं, बीजाणु व्यवस्था समद्विपार्शी, आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट। कह रहा है रिक्सिया परसोनी में, मार्केंसिया पामेटा में, पेलिया एपिफाइला में, एंथोसिरास लिविस में, ठीक है। किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्शी होती है, तो यह होता है रिक्सिया परसोनी में। किस में होता है मेरे दोस्त? रिक्सिया परसोनी में होता है, ए इज द राइट आंसर। अगला 118 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 118 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 118 में, कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में गुद बीजाणुधारी निरूपित होती है। देखा आज का स्टैंडर्ड ऐसा है कि कुछ लोग भागे जा रहे हैं, आ रहे हैं और देख रहे हैं शकल के, अरे बाप रे ये कैसे प्रश्न है, समझ ही नहीं आ रहा, तुरंत पोलो ले ले रहे हैं। तो ऐसे लोग केवल भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं, और जो डटे रहते हैं अंत तक सफलता उसी को मिलती है, समझ रहे हैं। तो सफलता उन्हीं को मिलेगी जो अंत तक बिल्कुल डटे ही रहेंगे, ठीक है। आपको हतोत्साहित नहीं होना है। देखिए यानी एंजियोस्पर्म द मेगा स्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड भाई, किसके द्वारा मेगा स्पोरेंजियम रिप्रेजेंट होती है? कह रहा अंडब द्वारा, अंडाशय द्वारा, बीजांड द्वारा, भ्रूणकोश, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसका राइट आंसर है बीजांड द्वारा, ओयूल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? ओयूल के द्वारा। मेगा स्पोरेंजियम किसको रिप्रेजेंट करती है? ओयूल को, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मेट हीमोग्लोबिनिमिया का कारण क्या है? देखिए मेट क्या, यहाँ पर मेट हीमोग्लोबिन एमीनिया इज कॉज्ड बाय, कह रहा है किसके द्वारा? कह रहा है नाइट्रेट उर्वरक, सीसा विषाक्तता, पेयजल में फ्लोराइड्स, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मेट हीमोग्लोबिनिमिया का कारण क्या है? नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है। अगला 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट। कह रहा है लाइकोपोडियम है कि सिलेजिनेला है कि साइकस है कि पाइनस है? इसका सही उत्तर क्या है? सिलेजिनेला है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला इज द राइट आंसर। अगला देखिए 121 नंबर का क्वेश्चन, 121 नंबर में देखिए कह रहा है 121 नंबर में कि आंतरी रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं, ठीक है। द ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई कैन नॉट एब्जॉर्ब, किसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं? फैटी एसिड तथा ग्लिसराल, ग्लूकोज, लवण, एमिनो एसिड, तो ये अवशोषित नहीं करती हैं। किसको? फैटी एसिड और ग्लिसराल को, किसको? फैटी एसिड और ग्लिसराल को अवशोषित नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। अगला है त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है, फिनामिना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है क्लेमाइडोमोनास में, उडोगोनियम में, फ्यूकस में, पेडिना में, तो किसमें पाई जाती है? ट्रिपल फ्यूजन की जो प्रोसेस है, फिनामिना ट्रिपल फ्यूजन की किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उडोगोनियम में। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 123 नंबर क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। 123 कह रहा है कि अनात्म परागणकता पाई जाती है, हार्कोगैमी इज फाउंड इन हार्कोगैमी, समझ रहे हैं हार्कोगैमी। मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक भी बताया था अपने जो प्रैक्टिस में मैं आपको करा रहा था, तो इसका ट्रिक भी बताया था आपको, ठीक है, शायद आपको याद होगा। हार्कोगैमी किसमें पाई जाती है बताइए? कपास में होता है कि मदार में होता है कि मैरीगोल्ड में होता है कि बाजरा में होता है, तो किसमें होता है? कैलोट्रॉपिस में, मैंने बताया था आपको ना, किसमें होता है? कैलोट्रॉपिस में, अर्थात किसमें? मदार में होता है, ठीक है। अगला 124 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है फ्यूकोजेंथिन मुख्य वड़क है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है फ्यूकोजेंथिन इज मेन
पिगमेंट इन, ठीक है, मेन पिगमेंट फ्यूगोजैथिन किसका है, कह रहा है साइटोनिमा में, कारा में, एक्टोकार्पस में, बॉल वॉक्स में, बताइए फ्यूकोजेंथिक मुख्य वर्णक किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूकोजेंथिन किसका मुख्य वर्णक है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये है एक्टोकार्पस का, किसका, एक्टोकार्पस का, एक्टोकार्पस इज द राइट आंसर। चलिए 125 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर यह क्या है। 125 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गायनोबेसिक वर्तिका पाई जाती है, गायनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, जो गायनोबेसिक स्टाइल होती है किसमें पाई जाती है, कह रहा है स्टेरेसी में, कि लैमियसी में, कि रैनकुलेसी में, रोजेसी में, तो गायनोबेसिक स्टाइल किसमें पाई जाती है मेरे दोस्त, बिल्कुल बताइए, फटाक से बताइए। और आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप बिल्कुल एक दमदार कमेंट करिएगा इसके लिए, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए हूँ जो बिल्कुल जद्दोजहाद से एकदम जुटे हुए हैं, पूरी एकदम तन्मयता से जुटे हुए हैं, समझ रहे हैं, आधे अधूरे मन से नहीं। तो मैं अगर आपने बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुपर, और मैं ऐसा ही प्रैक्टिस सेट फिर से लेके आऊँगा, उसका स्तर पीजीटी टीजीटी का बीच का होगा, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है लैमियसी, क्या है, लैमियसी इज द राइट आंसर। लैमियसी को आप लैबिएटी भी कहते हैं, जानते हैं, ठीक है, लैबिएटी, ठीक है, लैबिएटी भी कहते हैं। गायनोबेसिक स्टाइल जो है किसमें पाई जाती है, लैमियसी में, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आज बिल्कुल मज़ा आया कि नहीं आया, आप लोग एक बार तो बता ही दीजिए, ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए आज दोस्त अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके, थैंक यू।